दोस्तों नमस्कार। आज अजीब चीज़ हुआ मेरे साथ है और बड़ा अच्छा लगा, जिसे सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। ये कोई वीडियो नहीं है, बस एक तरह से समझिए कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मैं पटना आया हुआ हूँ और पटना में आया, भूख लगी थी, खाने के लिए कोई सोचा कि चलो रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं। तो जैसे ही मैं उतरा गाड़ी से तो देखा कि एक जगह पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया क्या? तो नहीं, पता चला कि वहाँ लिट्टी चोखा का कंपटीशन हो रहा है। और लिट्टी चोखा का जहाँ कंपटीशन हो, हम पीछे कैसे रह जाए? तो मैंने सोचा चलो भाई देखते हैं। मैं जब गया तो देखा कि एक फीमेल थी, वो होस्ट थी और एक लिट्टी चोखा चैलेंज करा रही थी। काफ़ी सारे लोग थे और खाए जा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। और लकली क्या हुआ कि जब वो कंपटीशन ख़त्म हुआ तो उसे प्राइजेस जो थे वो दिए जा रहे थे, उनको प्राइज मनी छोटा बहुत ही था, ऐसा कुछ नहीं था, बट वैल्यू कर रहा था। चीज़ें वहाँ हो रही थी जिस तरीके से हो रही थी, मैं छोटा सा क्लिप आपको शेयर कर रहा हूँ, ये देखिएगा। उसके बाद जब ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि वो जो होस्ट लेडी थी उससे मैं बात किया, उन्होंने देखा तो मुझे पहचान लिया, मैं शॉक हो गया। और उन्होंने कहा कि सर मैं आपको जानता हूँ, आपका नाम धर्मेंद्र है ना? मैं बहुत खुश हुआ और मुझे लगा मैं कुछ चीज़ें उनको लेकर आया अपने दोस्त के यहाँ। मैं यहाँ पे बगल में ही जिनसे मिलने आया था उनके घर आया तो उनको लेकर आया कि आपका एक छोटा सा पॉडकास्ट करना चाहता हूँ अपने चैनल पर डालने के लिए, क्योंकि आपका काम मुझे बहुत पसंद है। आइए मिलाते हैं उनसे। और ये हैं निशा जी। आप सभी को राधे राधे, नमस्ते। निशा चैलेंजर, इनका यूट्यूब चैनल भी है, उस पर ये चैलेंजर जो है वो पोस्ट करती हैं। निशा जी, आपका काम बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा चीज़ जो है आपको लगा ना, पब्लिकली शूट करना, पब्लिक जब आपके सामने हो, बहुत सारे लोग हों, और ऐसा भी नहीं कि आपका कोई चैनल बहुत बड़ा है, बट जिस कॉन्फिडेंस के साथ उस बीच रोड पे आप शूट कर रही थी, और इनफैक्ट वो एक वीडियो नहीं होगा, आप डेली आप जैसे कि आप बताइए हमसे बातचीत हुआ कि मेरा पैशन ये चीज़। सबसे पहले तो मैं आप सबको राधे राधे नमस्ते बोलने के साथ साथ भैया सर जी बोलूँगी, इनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इनको मैं काफ़ी सालों से फॉलो करती हूँ। जैसे कहते हैं ना कि यूट्यूब के कहते हैं क्या बोले उनके, बहुत सारे क्रिएटर हैं यूट्यूबर के, ये मुझे इनके लिए इंट्रोडक्शन देने के लिए ज़रूरत नहीं, आप सभी इनको जानते होंगे। थैंक यू सर सो मच जो आपने हमें ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और रही आपके जो सवाल थे कि मैं जो कर रही हूँ वो हौसला कैसा है इतने भीड़ में, आपको क्या ये डर नहीं लगता बीइंग अ फीमेल, अलोन फीमेल, और पब्लिकली ये चीजें करना कैसे? सर बात ये है कि ये मेरा शुरू से पैशन रहा। मैं पहले से ही नर्सिंग होम में, सिविल हॉस्पिटल्स में, अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में, मैं शुरू से एक महीने का कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैं कुछ महीने का सेविंग्स करके रखती हूँ। ये मेरा पैशन है कि मैं लोगों की थोड़ा सा सेवा करूँ जितना तक मेरे से बन पड़ता है। तो स्टार्टिंग से ये कर रही थी, तब तक कुछ फाइनेंशियल इशूज़ हो गया मेरे को, तो मैंने सोचा किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि जो आपका पैशन है, जो आप ऑफलाइन मोड में कर रही हो, क्यों ना आप उसको ऑनलाइन मोड में लेके आते, हो सकता है कि कहीं अगर पब्लिक, आप लोग बोलते हैं ना जनता जनार्दन, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हो सकता है मैं इसको और आगे तक लेके जाऊं, मुझे फाइनेंशियली थोड़े सपोर्ट मिलेगा। तो भैया यही सोच के मैं उतरी हूँ। और रहा जैसे आपने एक क्वेश्चन किया कि पब्लिकली में इतना भीड़ में रहता है, तो जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो मुझे उस समय कुछ नहीं दिखता, बस ये दिख रहा है कि लोग खा रहे हैं। सबसे बड़ी मेरा वो रहता है कि लोग, मतलब मैं किसी को खिला रही हूँ, मैं क्या खिला रही हूँ, जो ऊपर वाला दे रहा है, मैं बस एक बीच का माध्यम हूँ लोगों के लिए, तो मैं माध्यम बन के ही खिला रहा हूँ। वो जो खुशी मिलती है, और बहुत जन होता है ना कि बहुत ज़्यादा पैसा दे के नहीं, जो रियलिटी है, जितना मैं सक रही हूँ मैं उतना ही देती हूँ जो मेरा सकान है। ये होता ना कि दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा दे दिए, कम दे दिए। तो भैया सर सर मैं पैशन के लिए ऐसा करते हैं, आपको बोझ भी नहीं लगता, ये चीज़ आप इंजॉय करती हैं बहुत बहुत, ठीक है, और खुशी भी होता है। जो चैलेंज मैंने आपके वीडियो चैनल पे देखो उसमें जी जी। ऐसा नहीं कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी मॉल में जाकर कर रही हैं, ज्यादातर गरीब लोगों के साथ कर रही हैं, ऐसा क्यों? कुछ मतलब क्या हेल्प हेल्प भी हो जाए उनका? जी जी जी, एक्चुअली यही मोटिव रहता है कि एक तो चलिए मिडिल क्लास फैमिली हो गया या बिलो एवरेज लोग हो जाते, एक तो खिलाना पिलाने का भी हो जाता है, जैसे कि हम लोग रास्ते में लेबर लोग को देख के उन लोग को रुका के उन लोग के साथ चैलेंज करवा लेते हैं, बच्चे लोग हैं रास्ते में उन लोगों के साथ भी चैलेंज करवा। मेन मकसद है कि खिलाना है, और खिलाने के साथ आप जाहिर से बात है चैलेंजेस करवा रहे तो कुछ तो प्राइज मनी देंगे, तो मेरे से जितना बन पड़ता मिनिमम तो मैं वो कोशिश करती हूँ। बहुत जगह मैं पैसा नहीं देती हूँ, वहाँ पे मैं कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ जो कि जरूरतमंद होता है। तो ये बात चलिए अच्छी बात है, ठीक है, चैलेंजेस आपका पैसन है ये चीज़ें करना, तो वाई ऑन यूट्यूब? यूट्यूब पे उसे अपलोड करने के पीछे क्या मकसद है? उससे कुछ अर्निंग हो जाए आपकी, जैसा कि बताया कि फाइनेंशियली कंडीशन ठीक है वो, या फिर इसको आज कुछ प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना चाहती हैं आप?
हाँ सर, ये बात है कि जैसे कि आप सबको मैंने पहले बता चुकी, ये मेरा पैशन रहा, मेरा शौक रहा, कहते ना जहाँ चाह है वहाँ रहा, तो मैंने चाहत को राहत राह में बदल दी है। बिल्कुल। तो अब मैंने जैसे कि पहले बताया कि फाइनेंशियल थोड़ा सा इशू हो रखा था, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों नहीं आप जो कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा ऑनलाइन मोड में लेके आ जाइए। तो ऑनलाइन मोड में आप सभी को पता है कि यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप कहीं पे भी जा सकते हो। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं होम टाउन से करूँ, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाके सर किसी भी मोहल्ले, मतलब बड़ा जगह छोटा जगह मेरे लिए कोई मायने ना ही, कोई लोग मायने रखते कि बड़े लोग हैं छोटे लोग हैं या कोई, मतलब ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी के साथ भी चैलेंजेस करवा सकते हैं। निशा जी, प्रॉपरली आप पटना की हैं क्या? नहीं, मैं सिलीगुड़ी से, होम टाउन मेरा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ क्या जॉब वगैरह करती हैं आप? नहीं नहीं, मैं आई थी रिलेटिव के पास में, तो रिलेटिव ने कहा कि कुछ यहाँ पे, जब उन लोगों ने देखा कि निशा चैलेंजर आई हुई है तो क्यों नहीं चैलेंजेस करवा दे। अच्छा, तो वो जहाँ कर रहे थे जो रोड पे, वो वहाँ पे, मतलब वहीं पे आपकी फ्रेंड का घर है क्या? जी जी, बगल में ही है जी। ओके ओके ओके। तो सुबह निकले हुए थे वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, तो मैंने सत्तू का, लिट्टी का, मतलब मुझे जो दिखता है खिलाने पिलाने का सामान मैं कर लेती हूँ। मतलब खाने का ही नहीं, और चीजें भी चैलेंजेस? जी जी, चैलेंजेस है तो कुछ भी कर सकते। जैसे कि हम लोग एक बार स्ट्रॉबेरी फार्म गए थे, तो मैंने उनको चैलेंज किया था, बूढ़े बुजुर्ग थे, तो मैंने कहा कि आप हाफ किलो तौल दीजिए सही, तो मैं आपको 100 रुपए के इनाम दे दूंगी। तो वो भी एक चैलेंजेस हो जाता है। okay, okay, किसी okay, okay. माध्यम में अगर मेरे तरफ से छोटा सा कोई भी हेल्प हो जाता है या किसी को मैं खुशी दे पा रही हूँ, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। राइट नितिन जी, आपने बताया कि मैं पहले हॉस्पिटल में भी वर्क किया हूँ, या फिर अनाथालय या फिर जो भी थे, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ जी, जैसे कि मेरा एक डिटरमाइंड है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मंथली जो भी इनकम रहता है मैं कुछ पार्ट रख देती हूँ साइड में, ताकि इन फ्यूचर मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो जैसे कि साल में मेरा बर्थडे हो गया, या किसी, मेरी मम्मी, जैसे मेरी मम्मी नहीं है तो उनका जो डेथ एनिवर्सरी बोलते हैं, तो उस दिन को मैं जाती हूँ हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल जाती, जाहिर सा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं सिविल हॉस्पिटल में जाती हूँ, वहाँ पे पैकेट कुछ बना के, फल हो गया या जूस वूस हो गया, पिलाना खिलाना, और जो वो आशीर्वाद मिलता है, वो जो उसका मतलब Blessings. कोई तुलना नहीं है उसका, तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है। चलिए, ये चीजें मतलब YouTube तक सीखी मिलती है, आपका पैशन है एक तरह से कहीं ना कहीं, कि अच्छा काम करना है और ये इंटरटेन भी हो रहा है, कई लोग इंटरटेन करते हैं और अच्छा चीज़ है YouTube पे। एक अगर आपको ज़्यादा पैसा, अगर चैनल मान लीजिए अच्छा, भगवान करे चल जाए, अच्छा चल जाता है, इसलिए मैं इनफैक्ट लाया आपको चैनल पे, कि अगर हमारे वजह से कुछ लोग आप तक पहुंच पाए, आपका रीच बढ़े, तो और ज़्यादा बेहतर होना, कि प्राइज मनी जो जरूरतमंदों को हो या मदद जो करते हैं आपका ज़्यादा हो सके, तो दैट्स गुड। और अगर मान लीजिए जैसे आपका चैनल चल रहा है, भगवान करे वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? और दूसरे केस में मान लीजिए, अगर जैसे कहा कि फाइनेंशियली आप बहुत अमीर नहीं है, कि मैं पैसे बांट रही हूँ या चीजें कर रही हूँ, तो अगर मान लीजिए चैनल नहीं चलता है आपका, इन द वर्स्ट केस नहीं चलता है और आपके पैसे खत्म होते जाते हैं, तो क्या आप कंटिन्यू कर पाएंगे या क्या करेंगे? दोनों केसेस में थोड़ा बताएं। बोलते हैं ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों लेके चलते हैं। नेगेटिव साइड में पहले ये कहना चाहूंगी, जैसे कि मैं जो ये काम कर रही हूँ, तो ये मेरा ऑफलाइन एज इट इज चलते रहेगा, जो कि आप लोग नहीं देख पाओगे, क्योंकि उस समय क्या होता है कि मैं जो मेरा सेविंग्स है वो मिनिमम रहता है, मैं कुछ अमाउंट महीने का निकाल के रखती हूँ, तो उसमें क्या होगा कि वो आप लोग नहीं देख पाओगे। जैसे अगर, जैसे सर ने कहा कि अगर मैं इसमें सक्सेस हो गई, ज़्यादा आ गया मेरा, तो ये जो मैं अभी कर रही हूँ, मैं इससे कई गुना और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी। जैसे बहुत जने होता है ना कि सर, देखे होंगे आप लोगों ने कि चैलेंज करवाते समय बहुत ज़्यादा पैसा दे देते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब व्यूवर्स को, तो बहुत जने मुझे ये एडवाइस भी किया कि मैम आप दिखा के ज़्यादा दे दो और फिर वापस ले लो, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मैं जितना दे रही हूँ उसके पास जाएगा, वापस मैं लूँगी नहीं। तो ये एक, अगर जैसे सर ने मुझे कहा कि अगर आपका ज़्यादा अच्छा से चल गया चैनल, तो आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा और ऊपर वाले एक भगवान जी की आशीर्वाद रही, ऐसा जी लोग का सपोर्ट रहा, तो इस जो प्राइज मनी है हम बढ़ाएंगे और भी अच्छे अच्छे चैलेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। सर, निशा जी, एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आपके लिए फायदेमंद होगा और फाइनेंशियल भी अच्छा होगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा। अगर आप बिहार में ये चीज चैलेंजेस कर रही है, तो जो आप खाना बनाती है ना, तो बाजार की चीज़ें से बेहतर है कि आप घर में कुछ चीज़ें बना लीजिए और ढेर सारी चीज़ें उसका, जैसे लिट्टी चोखा आपने बनाया, वो लिट्टी चोखा घर में बनाया था क्या आपने? नहीं नहीं सर, वो तो स्टॉल पे ही जाके करवाया, बट घर में बना लीजिए ढेर सारा और बड़ा सा कंपटीशन कराइए, आइए चलिए मेरे सासाराम में कभी जी, जरूर सर, और वहाँ कंपटीशन कराइए, हम तो मतलब जीत जाएंगे, नेक्स्ट चैलेंज में भैया सर जरूर आएंगे, तो मेरे को थोड़ा चैलेंज कराइए लिट्टी चोखा करते, चलिए नहीं तो सासाराम चलिए अगर समय है तो। नहीं, ऐसा नहीं कि इससे मैं बाहर का खाना, इनफैक्ट मैंने कई
कई बार आप मेरे बहुत सारे वीडियोस है, मटर पनीर है, राइस है, जीरा राइस है, ये आपका पनीर चिल्ली है, पूरी सब्जी है, मैंने घर पे ही बकायदा बना के। हाँ तो उससे पैसे ही बचेंगे ना, वो चीज़ आपका काम भी हो जाएगा, लोगों के आपको खाना भी मिल जाएगा, बढ़िया चीज़ है। एक्चुअली अगर दिक्कत क्या होती है कि मैं सर इतना मुश्किल से सूट करती हूँ, मैं एक टोटो लेती हूँ, ठीक है, घर से जो भी सामान बना के लेके उस पर जाती हूँ, फिर जाके मुझे फील्ड में जाना पड़ता है, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वो एकदम कंप्लीट रेसिडेंशियल इलाका है, तो वहाँ पे कोई मुझे मिलेगा नहीं खाने वाले, तो मुझे एक अलग एरिया में जाना पड़ता है, लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पे सूट करना पड़ता है सर। गुड गुड गुड, चलिए अच्छा काम है, जब नियत अच्छा है, काम अच्छा करें तो डेफिनेटली भगवान आपको सफलता देंगे, और ऐसे ही आगे बढ़िए, और आइए कभी बिहार में, अगर आइए तो हमारे सासाराम भी आइए, वहाँ भी कुछ कंपटीशन चैलेंजेस कीजिए, और भगवान करे बस आपका चैनल अच्छा ग्रो हो। दोस्तों जो लोग देख रहे हैं, नीता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आप इन्हें सपोर्ट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है इनका चैलेंजेस वीडियो देखिए, एंटरटेनिंग भी है, काफ़ी एंटरटेन भी कराती हैं, तो विश यू ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।